ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को सीमा मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने मोदी सरकार पर चीन के सामने झुकने का आरोप लगाया। इसके साथ ही ओवैसी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की। ओवैसी ने मोदी सरकार को चीन के सामने झुकने को शर्मनाक और खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को देश को बताना चाहिए कि उसने 19 दौर में चीन के साथ क्या चर्चा की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पूछा कि प्रधानमंत्री बातचीत करने के लिए चीनी राष्ट्रपति के पीछे क्यों भाग रहे हैं और सरकार लद्दाख में जो हो रहा है उसके बारे में देश को अंधेरे में क्यों रख रही है। हुई है चाइना की शी जिनपिंग के साथ, और फिर पहले कहा गया कि सोर्सेस के तौर पर कहा, लीक कर दिया गया कि चाइना बात करना चाहता था। ऑफिशियली एमईए को स्टेटमेंट देना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की ये बातचीत के बाद कि ये बातचीत हुई। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री बोलती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करना चाहते थे, और फिर बाद में हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी कुछ और कहते हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से, जो भारत में अभी सत्ता में है, कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री चाइनीज प्रेसिडेंट के पीछे भाग रहे हैं बातचीत के लिए? आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारी बहादुर फौज पर ये प्रेशर डाल रही है कि कोई सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए? और वो क्यों नहीं इस बात का इसरार कर रही है कि जो स्टेटस को एंटे था 2020 में उसको रिस्टोर किया जाए? आखिर क्यों देश की बीजेपी की सरकार चीन की फौज को रिवॉर्ड या इनाम देना चाहती है? पिछले 40 महीने से हमारी बहादुर फौज 50,000 के करीब वहां पर हजारों फीट ऊंचे पहाड़ियों पर बैठकर बड़ी बेबाकी और बहादुरी के साथ चीन की फौज का वहां पर ठहर कर उनसे मुकाबला कर रही है। तो आखिर क्या है कि अगर हमने ये टेरिटरी खो दिया है, हमने भारत की बीजेपी की सरकार चीन के सामने झुक जा रही है, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी बेशर्मी की बात है। आखिर क्यों बीजेपी खामोश बैठी हुई है? देखिए, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जो खोया है वो बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी देश की जमीन है, हमारी देश की सुरक्षा से उसका अटूट हिस्सा है। इसीलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाली में चीनी राष्ट्रपति से बात की, लेकिन देश को एक महीने बाद पता चला कि किसी तरह का समझौता हुआ है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। अगले दिन देश को बैठक के बारे में तब पता चला जब चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध पर हुई थी। ओवैसी ने कहा कि चीन के साथ 19 दौर की बातचीत हुई। उन्होंने जानना चाहा कि नतीजा क्या निकला, क्या चीन ने हमें उन 25 गश्त बिंदुओं पर गश्त करने की इजाजत दी है जहां उसने हमें गश्त करने से रोका था, क्या चीन ने हमें देपसांग और देमचोक में गश्त करने की इजाजत दी है, कुछ नहीं हो रहा, यह सरकार चीनियों के सामने क्यों झुक रही और घुटने क्यों टेक रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।